अस्सलाम वालेकुम, मैं आज आपको जी सिखा रही हूँ एग कुकम्बर एग बर्गर ना। तो ये आप बनाइएगा, बहुत मज़े के बनेंगे। और इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या चाहिए। चीज़ है ये हमारी, सॉल्टेड चीज़ है। ये कुकम्बर है, कुकम्बर को मैंने वो खीरा है, खीरे को मैंने कद्दूकस करने के बाद उसका वाटर जितना भी था वो सारा निकाल दिया है, मतलब ये खुश किया है मैंने। देखें, कद्दूकस करने के बाद आप पानी इसका जितना निकाल सकते हैं इसका पानी निकाल दें कद्दूकस करने के बाद। ये मेरे चार खीरे हैं, बड़े साइज़ के चार खीरे हैं। और ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून। सॉल्ट चेक कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि इसमें भी सॉल्टेड है, ये भी सॉल्ट है, तो ज़्यादा ना हो जाए। सॉल्ट 1/2 टीस्पून है, शुगर 1 टेबल स्पून है। अंडे मेरे 8 अंडे हैं, बॉयल 8 एग हैं। इन अंडों को मैं बस, और ये मेरे बर्गर है ना, इनके अंदर मैं लगाऊँगी। और इसको आपने एग को इस तरीके से मैश कर लेना है सारा, ज़्यादा मैश नहीं करना है कि बिल्कुल ही पेस्ट बन जाए। कहीं चंक्स इससे मोटे हों, कहीं चंक्स इसके पतले हों ना, मतलब बिल्कुल ही मिक्स हुआ हुआ हो, कहीं मोटा मोटा आपको लगे ना उसके। ये इस तरीके से आपने इसको मैश कर लेना है। ये मैं सारा मैश करके फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करते हैं। ये मैंने जो मैश किए हैं सारे बॉयल एग, इसको इसमें मिक्स कर देते हैं। 8 हैं ये बॉयल एग। तो इस तरीके से करना है, कहीं से ये मोटे ना हैं, कहीं पतले, मतलब पेस्ट हो जाए कहीं। और ये मैंने इसका ड्रेन कर देना है सारा वाटर, आपने इसका कुकम्बर का वाटर सारा ड्रेन कर देना है, दबा दबा के सारा पानी इसका निकाल देना है खीरे का। खीरे चले गए, ये इसमें शुगर, सॉल्ट और ब्लैक पेपर चला गया। चीज़ डालते हैं, वन टेबल स्पून हिप फूल है, कितनी भरी हुई है मैंने, 2 और ये 3, बस ये 3 चाहिए हमें। इसको मिक्स करते हैं सही तरीके से, सारी चीज़ों को मिक्स कर दें जी। हाँ, ये देखें ये रेडी हो गया सारा ना, ये इस तरीके से बन जाएगा। इसको बनाने के बाद जब तक आप अपने बन वगैरह, बर्गर जो भी रोल हैं, ये आप गरम करेंगे इसको, जब तक हम इसको फ्रिज में रख देंगे ना 5 मिनट में। तो इसमें चीज़ है ज़ाहिर है, तो वो ज़रा सी थिकनेस आ जाएगी। मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ और इनको आपके सामने ही गरम करती हूँ। आके इस तरह से इसे गरम कर लेते हैं। इसमें आपके आराम से 12 बर्गर बन जाएंगे, 12-13 बर्गर आराम से बन जाएंगे। और आपको अगर इससे कम बनाने हैं, क्वांटिटी कम कर दें इसकी। नमक अपना चेक कर लीजिएगा कि नमक आपने कितना डालना है। शुगर आपको ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है तो शुगर ज़रा से ज़्यादा कर दीजिएगा थोड़ी सी। और बाकी नमक का भी है कि जैसा आपको टेस्ट है आपका सॉल्ट का, वो वैसे ही करें। इसको हो गया है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें ऐसे ना आपने इसके ऊपर रखते जाना है। या ब्रेड में भी लगा सकते हैं, रोल में भी लगा सकते हैं। मैं आपको सारों पे लगा के फिर दिखाती हूँ ना, मजे की जगह पे रखना और ज़रा से ऐसे ही। हाँ जी, ये ना रेडी हो गए हमारे ना बर्गर। आप इसको अब ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसे लगे। थोड़े से मैंने गार्निश कर लिया कोकम्बर के साथ, क्योंकि वो खीरे के ही हैं, तो इस तरह से पता चलेगा कि जी खीरे के ही हैं ना। और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।